ब्रेक के बाद स्वागत है। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रघु शर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की सभी अटकलों को हवाबाजी करार दिया है। रघु शर्मा ने एक इंटरव्यू में मिशन 25 और चुनाव की रणनीति को लेकर खुलकर बात की है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। रघु शर्मा ने कहा है कि बीजेपी का कोई नारा नहीं चल रहा है, कभी वो मोदी है तो मुमकिन है को उठाते हैं तो कभी चौकीदार को, लेकिन कांग्रेस के पास भाजपा की हर चीज का काउंटर है। कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है। कांग्रेस 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी के किए फायदों को जनता के बीच उठाएगी, क्योंकि मोदी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। वहीं एयर स्ट्राइक को लेकर रघु शर्मा ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी ने इन मुद्दों का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। सेना को पार्टियों में नहीं बांटा जा सकता। अगर पीएम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये सेना का अपमान है। सेना देश का गौरव है और हर नागरिक उसके साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव लड़ने को उन्होंने फिलहाल अफवाह करार दिया है। अजमेर में उम्मीदवार चयन को लेकर रघु शर्मा ने साफ किया कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, इसके लिए विचार विमर्श करना जरूरी है। वहीं विधायकों के चुनाव लड़ने की बात पर रघु शर्मा ने कहा कि इसका फैसला आलाकमान करेगा। अगर पार्टी विधायकों से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहेगी तो विधायक चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही रघु शर्मा ने प्रदेश की सभी सीटों को जीतने की संभावना व्यक्त की। 1984 में भी कांग्रेस ने सभी सीटें जीती थी। रघु शर्मा ने कहा कि 2008 में विधानसभा चुनाव में 96 सीटें मिली, तब भी कांग्रेस ने लोकसभा में 20 सीटें जीती थी। गहलोत सरकार ने 21 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और जनता को संदेश दिया है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। सरकार में दो पावर सेंटर को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में एकजुट रूप से सरकार चलाई जा रही है। भाजपा की बी टीम चुनाव लड़ रही है। पार्टी के अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस माइक्रो लेवल मैनेजमेंट कर रही है। बूथों पर हमारे कार्यकर्ता सतर्क हैं, उन्हें पता है कि भाजपा का मुकाबला कैसे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।